तो गाइज मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Redmi Note 9 Pro में ऐप का साइज छोटा बड़ा कैसे कर पाएंगे। जैसे कि आपको ऐप का साइज दिखाई दे रहा होगा, इस साइज को हम छोटा बड़ा करके आपको दिखाने वाले हैं। तो इस सेटिंग को कैसे आपको यूज करना है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप टोटल जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने फोन की सेटिंग में। तो गाइस, जैसे ही हम अपने फोन की सेटिंग को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में इसमें क्या करना होगा, आपको जो है थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना होगा। तो गाइस, यहां पर स्क्रॉल करते ही आपको एक सेटिंग मिल जाएगी, उस सेटिंग का नाम है एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग पर आपको सिंपल सा टैप कर देना होगा। टैप करने के बाद में अब यहां पर आपको क्या करना होगा, आपको यहां पर एसेसिबिलिटी का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस एसेसिबिलिटी के ऑप्शन पर टैप कर देना होगा। इसके बाद में यहां पर आपको क्या करना होगा, आपको देख लीजिए डिस्प्ले साइज का ऑप्शन मिल रहा है, तो गाइस इस पर हम सिंपल सा टैप कर देते हैं। टाइप करने के बाद में आपको देख लीजिए इसको थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना होगा, स्क्रॉल नहीं हो रहा सॉरी, यहाँ पर आप देख लीजिए नीचे आपको जो है एक लाइन दिखाई दे रही होगी प्लस और माइनस जो है, तो यहाँ पर बीच में है, तो ये इसका साइज मिनिमम है। और इसे अगर आप छोटा करना चाहते तो इस साइज को पकड़ के पीछे को स्क्रॉल कर दीजिए। अब जैसे ही आप पीछे करेंगे तो इसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा। तो पहले इसको हम डन करके आपको दिखा देते हैं कितना छोटा हो गया। तो गाइस इसको हम जो है टिक पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद में इसको हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग करेगा, यहाँ पर अभी जो है ऐप देख लीजिए यहाँ पर ऐप का साइज कितना छोटा हो चुका है, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे ऐप यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। तो गाइस इसे अब आपको बड़ा करके दिखाते हैं। तो गाइस फिर से हम उसी सेटिंग में चले जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर फिर से जो है डिस्प्ले साइज पर क्लिक करेंगे, अब इसको जो हम एकदम फुल कर देंगे, यहाँ पर पकड़ के देख लीजिए प्लस कर दिया, एल साइज कर दिया। एल साइज का मतलब सबसे बड़ा साइज। तो इसका इतना साइज होने के बाद में फिर से आपको टिक पर क्लिक कर देना होगा, फिर ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद में फिर यहाँ पर इसको हम जो है कट कर देते हैं, तो थोड़ा सा लोडिंग फिर करेगा। लोडिंग करने के बाद में आपको दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐप का साइज काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो गाइस इससे बड़ा इसका साइज नहीं हो सकता, इसका साइज जो है तीन ही साइज में हो रहा है, एल एस एक्सएल। तो गाइज यहाँ पर तीन में से जो भी साइज आपको अच्छा लगे उस साइज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे कि और लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो ना किया, उसका यूजर नेम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप हमें सर्च करके जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम नए नए अपडेट्स देते रहते हैं मोबाइल ट्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।